एकदम सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये मिठाइयाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं विदिशा, वेलकम टू किचन स्माइल्स। आज किचन स्माइल्स में हम बनाएंगे ये बहुत ही यम्मी मिठाइयाँ। बहुत कम चीज़ों से इससे हम बनाएंगे और बहुत झटपट भी बन जाती है। दोस्तों, अगर आप किचन स्माइल्स अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये मिठाइयाँ कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पनीर बनानी है, तो इसलिए एक कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट दूध लेंगे और इससे हम हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टेयर करके उबाल लाएंगे। जब दूध बॉयल हो तब इसमें एक नींबू का रस निचोड़ेंगे और इसका पनीर निकालेंगे। इसे अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे एक क्लॉथ से और पनीर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून आटा डालेंगे और ये सब अच्छे से हम मिलाएंगे। इसके बाद इसमें बस चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल के इससे भी मिलाएंगे और फिर ये जो हथेली से पाम से हम इससे अच्छे से गूनेंगे एकदम सॉफ्ट टेक्सचर आने तक। फिर इसके छोटे छोटे पोर्शंस लेके इसी तरह से जैसे दिखाई हूँ हम रोल करके ऐसे शेप्स हम बनाएंगे। तो रेडी है मिठाइयाँ फ्राइंग के लिए। अब इसकी चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए एक कढ़ाई में 1 कप चीनी और 1 कप पानी लेके इससे हम बॉईल करेंगे। याद रखिए दोस्तों, हमें कोई थ्रेड कंसिस्टेंसी का चाशनी नहीं चाहिए, बस चाशनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। इसमें हम कुछ सैफ्रन स्ट्रैंड्स और आधी टीस्पून कार्डमम पाउडर डालेंगे और इससे हम बॉयल करके चाशनी बना के रख लेंगे साइड पे। चाशनी रेडी है। अब हम मिठाइयों को फ्राई करेंगे। इसके लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे या फिर आप घी भी डाल सकते हो फ्राइंग के लिए, और हल्का गर्म होना चाहिए तेल, तब ये मिठाइयों को हम डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करनी है दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादा तेज़ हो आँच तो अंदर से पकेगी नहीं। अब दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद इससे हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी हल्का गर्म होनी चाहिए और इससे हम कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे। तो देखिए दोस्तों, मिठाइयाँ अच्छे से चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है। मिठाइयों को एक प्लेट में निकालें, उसमें कुछ कटी हुई ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें और सर्व करें। गर्म, ठंडा, जैसे भी हो अच्छा लगेगा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत यम्मी। और ऐसे क्विक इजी रेसिपीज़ के लिए किचन स्माइल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।